नंबर 16। देखो अब हमारा थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे, तेज़ी से सॉल्व करना क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर अब हमारे पास है जो हो गया 16। देखो आपके पास क्या है, वन प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स आपका लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है, जब जब बताया था कि ये आपका यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स लिख दिया, तो एक ही तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो इसके माइनस से, अगर प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो वन प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आज सिंपल क्या करो, वन माइनस साइन एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो एंड वन माइनस साइन एक्स से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब गाइज आपका ये कितना हो गया, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ पर होगा वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये क्या होगा, एक बार आपका ऐड हुआ, एक बार आपका क्या हुआ, सबट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ये आपका एक बार यहाँ पे ऐड, एक बार सबट्रैक्ट है। आप इसे क्या लिख सकते हो कि वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स। अरे यार ये वही है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये लिख सकते हो साइन एक्स, ये आपका होगा वन माइनस साइन एक्स, ये आपका होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। लगे आते से मल्टीप्लाई भी आप इसका कर लो साइन का, तो क्या होगा साइन एक्स, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा। गाइस ये अलग अलग पार्टों हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे ना। स्प्लिट कैसे होगा हमारा, ये जब स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर होगा साइन एक्स, देखो गाइस नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉस एक्स, दो जगह अलग अलग लिख लिया। और यहाँ पर लिख सकते हो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, इसे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब गाइस देखो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका कितना होता है, टेन एक्स, एंड कॉस एक्स कितना आपका होता है, ऊपर जाएगा तो सेक एक्स। अच्छा यहाँ पे आपका साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बेसिकली आपका होता है टेन स्क्वायर एक्स होता है, और ये आपका यहाँ पे डी एक्स हो गया। तो इसका तो आपको पता है कि सेक टेन एक्स इंटू सेक एक्स आपका कितना, किसका इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, सेक एक्स होता है। बट टेन स्क्वायर एक्स एग्जाम्पल हम लोग डील कर चुके हैं, टेन स्क्वायर से कोई फार्मूला नहीं होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। तो गाइज ये कितना होगा, सेक एक्स, यहाँ पर आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा गाइज, टेन एक्स, वन का कितना होगा आपका इंटीग्रेशन एक्स, देन आपका प्लस सी, इसको खोल देंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और ये होगा माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी। तो दैट्स योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है पहले पॉज करके, तब सोल्यूशन देखना, ठीक है। एक बात आप जान लो कि इंटीग्रेशन में कई बार आपको आंसर कुछ अलग तरीके से मिल जाएगा, और बुक में कुछ आंसर अलग दिया होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों आंसर सेम होगा। इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं, हम सारे आंसर को एक दूसरे में मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अभी जो क्वेश्चन आपको दिया हूँ इसको, इसको जो पीछे वाला क्वेश्चन दिया उस हिसाब से सॉल्व करें तो आपका वही क्वेश्चन होता रहता है, ठीक है। देखो कैसे, ये क्वेश्चन वही है, देखो कैसे, यहाँ आप देखो इसको वन अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं, इसे भी वन अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं, इसको भी साइन अपॉन एक्स लिखते हैं। देखो ये आपका वही क्वेश्चन है कि नहीं, ये साइन एक्स अपॉन वन प्लस अपॉन ये यहाँ पे वन साइन एक्स हो गया, यही क्वेश्चन है कि नहीं। देखो गाइस अपने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वह नहीं, ऐसा क्वेश्चन ये आई थिंक आपका साइन एक्स नहीं, आपका कॉस एक्स है ना। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका इस तरह क्वेश्चन, देखो ये ऊपर हो गया वन ना, ऊपर जाओ वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। अभी हमने इसका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे क्या करो, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक एक्स, यहाँ बनेगा सेक एक्स, यहाँ बन जाएगा टेन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन दोनों सेम है, बस ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन करना, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हमने निकाला कुछ अलग है अलग आएगा, इसका आंसर कुछ हमने निकाला तभी कुछ अलग है, दोनों सेम आंसर होगा, बस आपको मैनिपुलेशन करना है। तो कन्फ्यूज कोई मत होना कि इंटीग्रेशन हमारा अगर आंसर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है। हो सकता है कि आप मैनिपुलेशन करके वहाँ तक जा सकते हो, सारे आंसर एक दूसरे से दूसरे में इंटरचेबल होंगे ना, इंटरचेंज आप कर सकते हो उनको। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स है तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा है ना, अब क्या करो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर लो अपने नीचे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी क्या कर लिया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। तो गाइज ये देखो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा
इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर होगा तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टेन एक्स। और नीचे दो गाइज हमारा कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर होगा डी एक्स हो जाएगा। गाइज हमने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन। अरे हमने यही तो पढ़ा है ना, आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा हाई स्कूल में, क्या हमने ये नहीं पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो आप यहाँ पे प्लग कर दो, तो यहाँ पे प्लग करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स यहाँ पे टेन एक्स, और नीचे आपका सिर्फ बचेगा वन, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे अलग अलग स्प्लिट करके हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में डी एक्स, यहाँ से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हमारा गाइज होगा, ये होगा टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कितना होगा, सिर्फ हमारा होगा सेक एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन नंबर, अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 18। देखो हमारे पास क्या है लिखा है, क्या साइन साइन की पावर सिक्स एक्स कॉस की पावर सिक्स एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन है। ध्यान सुनना कैसे करना है आपको, कि ये आपका 2014 में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर नहीं कह सकते, मतलब हाँ वो आज से 6 साल पहले या 6 साल पहले का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पहले आप खोलना पड़ेगा। ठीक है, खोलेंगे कैसे, देखो इसे आप लिख सकते हो साइन की पावर जो सिक्स एक्स है ना, उसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन, ये आपका कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अभी मैंने मैनिपुलेशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप कुछ करो, मैं तुमसे ये बताता हूँ कि पहले ये बता, तुमको एक फार्मूला पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा तुमको और सिखाऊँ फार्मूले में, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँ, देखो क्या हमारे पास होगा, मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, या आप होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखने का स्टाइल आपके पास एक और ये वाला आ गया, कि आप इसे ऐसे इसको इधर में ले आ दिया। ठीक है, इसमें कितना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी साइन एक्स इंटू सॉरी ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या आप देखो अब यहाँ से क्या आप गेस कर पा रहे हो, ए हमारा क्या होगा, दिस इज़ आवर ए एंड आवर बी, ये हमारा ए है, क्या है भाई, ए साइन स्क्वायर एक्स ए है और कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो फार्मूले के हिसाब से गाइस हम कैसे हमारा होगा, तो पहले हम लिखना है ए प्लस बी, यानी मुझे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल का क्यूब हो जाएगा, ये प्लेस मेरा हो गया। ठीक है, अब फिर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए, ए कितना हमारा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हमारा बचेगा, अब फिर क्या लिखना हमें, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे हमारा कितना आएगा, नीचे जो लिखा है वो है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा गाइस, डी एक्स। ठीक, इतना आपका आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक, अब इतना आने के बाद अब दो गाइस आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका कितना होता है, वन, तो ये होगा वन का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर होगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी अंदर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, नीचे हमारा बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हो, इसे आप क्या करो, अलग अलग पार्टों में क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो गाइज अब स्प्लिट करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये आपका हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 3 बार हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो गाइस ये यहाँ से तो हट गया, अभी हमने इससे पहले 2-3 वीडियो पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया इसको ऐसा क्वेश्चन को ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जहाँ पे 1 है वहाँ हम लोग क्या रख देते हैं, वहाँ पर रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा डी एक्स, और यहाँ पे गाइस कितना होगा 3 इंटू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी हम स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग भागों में तोड़ के लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स ये होगा नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर होगा डी एक्स, और 3 यहाँ पे क्या होगा 3x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा, पता है यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जब गाइस ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कोजैक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगा डी एक्स या -3x प्लस सी। तो गाइस आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, एंड कोजैक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, दैट्स वाई ये प्लस माइनस में चला जाएगा और -3x प्लस सी। थी इस तरह क्वेश्चन को गाइस आप करो, ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस हो गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 भी ख़त्म हो गया।